गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे थे बदमाश। मॉर्निंग वॉक करने निकले संजय, खोखर गोली मार कर की हत्या। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब बीजेपी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। थाना क्षेत्र के तिलवाड़ा मार्ग चक्रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे संजय खोखर 52 वर्षीय, और इसी दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ इन पर गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि पहले से ही घात लगाकर गन्ने के खेत में ये बदमाश बैठे थे और जैसे ही संजय खोखर को देखा उन पर गोलियां चला दी। इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सीएम ऑफिस से ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 24 घंटे में कार्रवाई और जवाबदेह तय करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद डीसीपी ने लापरवाही पर छपरौली इंस्पेक्टर दिनेश कुमार चिकारा को निलंबित कर दिया है। वहीं मृतक के दूसरे बेटे मनीष खोखर ने साल 2018 में झगड़े का हवाला देते हुए छपरौली निवासी नितिन धनकड़ और मयंक डागर, विनीत और अंकुर शर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। मेरा अध्यक्ष संजय खोखर रोजाना की तरफ मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो आज सवेरे कुछ लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। हम लोग यहाँ मौके पर हैं। प्रथम दृष्टा पूछताछ में रिंसन मामला प्रकाश में आया है और वैसे तहरीर भी नहीं दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं, जल्द ही मुजरिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया प्रथम दृष्टा अभी हम लोगों ने जो जानकारी की रंजिशन मामला लग रहा है, लेकिन घटना के तह में जाकर के हम लोग इसका अनावरण करेंगे। ये बताया गया कि देखने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन ये बताया गया कि साथ दो हथियारे थे और उनके हमने भी ये कुछ बात प्रकाश में इस बारे में हम लोग घटना के खुलासे के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करें। दो गोलियां लगी हैं, एक सिर पे लगी है, एक चेस्ट पे लगी है।